Hi, my name is Anil Verma, and today in this video, I am going to talk about DLF's upcoming SEOs in Sector 61 and 68 of Gurgaon, जहाँ पर आपको मिलते हैं बहुत ही lucrative investment opportunity. बात करते हैं DLF की, तो DLF एक ऐसा नाम है जिसने गुड़गांव के अंदर एक से एक, चाहे वो रेसिडेंशियल हो चाहे वो कमर्शियल हो, एक से एक लैंडमार्क प्रॉपर्टीज़ डिलीवर की है. और शायद यही रीज़न है कि कोई भी बायर हो, अगर उसको पहला ऑप्शन DLF मिलता है तो ही इंटेंड्स टू गो फॉर DLF ओनली. तो आज मैं आपके पास ऐसे ही DLF के कुछ SEOs के प्रोजेक्ट्स लेकर आया हूँ, जहाँ पर आपको 110 गज से लेकर 200 गज तक के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. बात करते हैं SEOs की, तो अगर आपको याद हो तो आज से 15 से 20 साल पहले जब SEOs निकलते थे हुडा की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जैसे कोई सेक्टर होता है तो उसके पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर हुडा SEOs लॉन्च करता था, तो जो भी SEOs की इन्वेस्टमेंट होती थी वो आपके हुडा के थ्रू ही होती थी. लेकिन 4 से 5 साल पहले सिनेरियो चेंज हो गया. हुडा ने जो प्राइवेट बिल्डर्स थे उनको भी SEO लॉन्च करने की परमिशन दे दी. तो सबसे पहले एक्सटेंशन रोड पर MR ने अपने SEOs लॉन्च किए थे, उसके बाद तो M3M ने, रहेजा ने, दुनिया भर के जितने भी बिल्डर्स हैं सब ने अलग अलग लोकेशन पर गुड़गांव के अंदर SEOs लॉन्च किए थे. सिंस इसमें आप प्लॉट को बाय करते हो तो, और इंडिया में ज़मीन एक ऐसी इन्वेस्टमेंट देखी जाती है जो कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन तो आपको देती ही देती है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं लोगों का इमोशनल कनेक्शन भी रहता है. तो इसी वजह से जो SEOs जितने भी लॉन्च हुए थे बिल्डर को बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. तो अब आज बात करते हैं DLF के अपकमिंग SEOs के बारे में. सेक्टर 67-68 आपका गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर पड़ता है, जो अपने आप में बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है. यहाँ पर DLF ने द आर्बर करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो कि आपका 2 से 3 दिन के अंदर ही सोल्ड आउट हो गया था, और वहाँ पे जो एवरेज टिकट साइज़ था आपका वो 7.5 से 8 करोड़ के बीच में था. तो लोकेशन अपने आप में बहुत ही प्रीमियम है. सराउंडिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो रीच करके एक ग्रुप है जिनका आर्या मॉल है वहाँ पर, जिसमें आपको एम्बियंस के बाद अगर किसी में ढंग के ब्रांड्स है तो वो रीच एरिया के अंदर है, वो बिल्कुल इस प्रोजेक्ट के साथ में ही आपको लगता है. और जो बेस्ट पार्ट है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का, वो ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई बिल्डर अपने पास भी कुछ ना कुछ इन्वेंट्री रख रहा है जिसको कि वो लीज मॉडल पे आगे रखेगा अपने पास. तो बिल्ड टू सूट इसमें SEO बनाएगा DLF और उसको लीज आउट करेगा. 30 SEOs ऐसे हैं जो DLF अपने पास रखेगा, और बेस्ट पार्ट वो है कि जो पीछे के SEOs हैं वो DLF ने अपने पास रखे हैं, और जो फ्रंट के SEOs हैं वो सेल के लिए ऑफर है मार्केट के अंदर. तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है. साइजेस मैंने आपको बता दिया, 110 स्क्वायर यार्ड से लेकर 200 स्क्वायर यार्ड के आसपास आपको प्लॉट्स मिलते हैं. 9 से 9.5 एकड़ आपका लैंड बैंक है. लोकेशन बहुत ही प्रीमियम है, और मेन रोड से इस प्रोजेक्ट की आपको एंट्री मिलती है. बहुत ही शानदार एंट्री इस प्रोजेक्ट की रहने वाली है. 2 से 2.5 साल के अंदर आपको प्लॉट का पोजेशन मिल जाएगा, उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट के अंदर अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो. वो टोटली आप पे डिपेंड है, और जो एक्सटर्नल फैसाड है वो DLF कंट्रोल करेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, सो दैट के कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट के अंदर सिमिलैरिटी रह सके. SEO में इन्वेस्टमेंट करने की अगर मैं बात करूं कि क्यों अच्छा है, उसका रीज़न ये है कि जब भी आप मॉल्स के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आपका कारपेट जो एरिया है, कारपेट टू सुपर एरिया जो रेशो है वो 50% के आसपास रहता है. बट व्हेन यू गो इनटू SEOs, एक ब्रांड के प्रस्पेक्टिव अगर मैं देखूँ तो जब आप SEO के अंदर जाते हो तो वहीं पर आपका जो कारपेट टू सुपर एरिया रेशो है वो 90-10 का रहता है. तो कहीं ना कहीं एक ब्रांड को जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है. दूसरा, अगर मेंटेनेंस की बात करता हूँ, अगर आप कमर्शियल ऑफिस स्पेसिस की या कमर्शियल रिटेल की बात करो तो उसमें मेंटेनेंस आपकी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स भी हैं MG रोड पे जहाँ पे आपका 30 रुपये पर स्क्वायर फिट तक का मेंटेनेंस जा चुका है, अदरवाइज़ 18 रुपये का मेंटेनेंस पर स्क्वायर फिट तो है ही है. लेकिन जब आप SEOs के अंदर जाते हैं तो आपका जो मेंटेनेंस है वो 6 से 8 रुपये के आसपास पड़ता है. तो कहीं ना कहीं आपका मेंटेनेंस भी कम हो जाता है जब कोई ब्रांड प्रॉपर्टी सर्च करता है. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि कोई भी ब्रांड, ब्रांडिंग उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर कोई रिटेल का ब्रांड है तो उसके लिए ब्रांडिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है.
तो ये आपके ओपन स्पेसेस होते हैं, तो दूर से ही अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी हो तो आप SEO में अपना प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कर सकते हो, तो दूर से ही वो विजिबिलिटी आपको मिल जाती है, जो कि रिटेल मॉल के अंदर आपको अगर ब्रांडिंग करनी है तो उसके लिए आपको सेपरेटली पे करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको यहाँ पे एड ऑन पॉइंट मिलता है। इसके अलावा एक जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है जिसकी वजह से SEOs के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सेल्स हुई हैं, उसका वो पॉइंट है कि कुछ टाइम पहले ही हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि आप पर फ्लोर भी SEOs को सेल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास ये भी एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि कल अगर आपको लगता है कि यार मुझे एक या दो फ्लोर सेल आउट करना है, अगर आपको फाइनेंशियली कोई नीड पड़ती है तो उस तरह से भी आप फ्लोर को सेल आउट कर सकते हैं और बाकी के फ्लोर्स अपने पास रख सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एड ऑन पॉइंट है। सो इट वॉज ऑल अबाउट DLF's अपकमिंग SEO प्रोजेक्ट्स इन सेक्टर 67-68 ऑफ गुड़गांव। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी much for your time.